नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनके पास बैंक खातों की भरमार है और आपके बटुए में भी अलग अलग एटीएम कार्ड नजर आते हैं, तो आज का ये हमारा वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि अगर आप भी इस श्रेणी के लोग हैं तो एक तो आपकी परेशानी आने वाले दिनों में बढ़ सकती है, क्योंकि ये तो अब तय है कि अगर आप कई बैंकों में खाता रखते हैं तो सबसे पहला नुकसान आपको बैंक मेंटेनेंस को लेकर होगा। अगर आप बैंक खाता धारक है तो यकीनन आपको तो ये पता ही होगा कि हर बैंक खाते के लिए बैंक का अपना अलग अलग मेंटेनेंस चार्ज वसूला जाता है, जिसमें ही डेबिट कार्ड चार्ज, एसएमएस चार्ज, सर्विस चार्ज, मिनिमम बैलेंस चार्ज होता है। ऐसे में आपके जितने भी बैंक खाते होंगे आपको उसके अलग अलग चार्जेस को देना होगा। इसके साथ ही अगर मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो इसके बदले बैंक तगड़ा चार्ज की वसूली भी करती है। इतना ही नहीं, आप भी उन टैक्स पेयर्स में से एक होंगे जो हर साल फाइनेंशियल ईयर के आखिरी महीने में अपना रिटर्न फाइल करते होंगे। तो ऐसे में भी अगर आपके पास सिर्फ एक ही अकाउंट मौजूद है तो ऐसे में रिटर्न फाइल करना तो आसान होता है, क्योंकि आपकी कमाई की पूरी जानकारी सिंगल अकाउंट से आसानी से मिल जाती है। अलग अलग बैंक अकाउंट रहने से ये कैलकुलेशन मुश्किल और बड़ा हो जाता है। ऐसे में कई बार ऐसी जानकारी निकल करके सामने आती रही है कि टैक्स विभाग की तरफ से कई लोगों को नोटिस जारी किया गया है। हालांकि आम लोगों को राहत देने के लिए हाल ही में पेश किए गए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने नए सिस्टम की घोषणा भी की थी। अगर नए सिस्टम की ही बात करें तो अब सैलरी इनकम के किसी भी दूसरे सोर्स से आने वाली कमाई, जैसे कि डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेन इनकम, बैंक डिपॉजिट, एंट्रेंस इनकम, पोस्ट ऑफिस एंट्रेंस इनकम की जानकारी पहले से भरनी होगी। हालांकि अब तक तो टैक्स पेयर्स को इसका अलग से कैलकुलेशन करना होता था, इससे कई बार भूल जाने के कारण उसे परेशानी भी होती थी। अब यह तमाम जानकारी पहले से ही भरी भी होगी, जिसकी सारी जानकारी पैन कार्ड की मदद से हासिल की जाएगी। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अगर किसी सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में एक साल तक किसी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं किया जाता है तो वो निष्क्रिय बैंक खाते में बदल जाता है। दो साल तक ट्रांजैक्शन नहीं होने पर वो डोरमेंट अकाउंट या फिर इनऑपरेटिव में बदल जाता है। ऐसे बैंक अकाउंट के साथ फ्रॉड की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती है। वैसे भी इन दिनों साइबर अपराधियों का आतंक तो बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में ज्यादा अकाउंट धारक भी कभी भी साइबर अपराधियों के निशाने पर आने के दायरे में बने रहते हैं। इतना ही नहीं, प्राइवेट बैंकों में तो मिनिमम बैलेंस चार्ज बहुत ज्यादा होता है। जैसे HDFC बैंक का मिनिमम बैलेंस 10,000 रुपए है, ग्रामीण इलाकों के लिए ये 5,000 रुपए। ये बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर एक तिमाही की पेनाल्टी 750 रुपए है। इसी तरह का चार्ज अन्य प्राइवेट बैंक का भी होता है। ऐसे में भी अगर गलती से भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो आपको हर महीने सैकड़ों रुपए बेवजह देने होंगे। साथ ही अगर आपका मल्टीपल बैंक अकाउंट है तो हर महीने हजारों रुपए केवल मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने में लग जाएगा। इससे आपके इन्वेस्टमेंट पर भी असर पड़ सकता है। ऐसे में अब अगर आप भी एक से ज्यादा अकाउंट रखने के शौकीन हैं तो आपको होने वाले नुकसान से उम्मीद है कि अब आप रूबरू जरूर हो गए होंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।